उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। यह भव्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देव की पूजा हिंदू धर्म के वेदों में बताया गया है। हर प्राचीन ग्रंथ में सूर्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से देख पाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य को जल अर्पण करना हमारी आँखों और त्वचा के लिए हितकर होता है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान की पूजा करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सूर्य देवता के रथ में 12 जोड़ी पहिए हैं और रथ को खींचने के लिए उसमें 7 घोड़े जुटे हुए हैं। सूर्य देवता के रथ के आकार में बने कोणार्क के इस मंदिर में भी पत्थर के पहिए और घोड़े हैं, साथ ही इन पर नक्काशियां भी की गई हैं। इस मंदिर की भव्यता के कारण ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है, जिसकी कलात्मकता एवं वास्तु की भव्यता देखते ही बनती है। 1243 से 1255 ईस्वी के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। चूंकि गंग वंश के शासक सूर्यदेव की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता रथ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। मुख्य मंदिर 3 मंडपों में बना है, जिनमें से 2 मंडप ढह चुके हैं। तीसरे मंडप में जहां मूर्ति थी, वहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत एवं पत्थर भरवा कर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था, ताकि वह मंदिर क्षतिग्रस्त होने से बच जाए। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। पहली प्रतिमा बाल्यावस्था की है, जो सूर्य के उदय होने का प्रतीक है, जिसकी ऊंचाई 8 फीट है। दूसरी प्रतिमा युवावस्था की है, जो सूर्य के दोपहर की अवस्था को दर्शाती है, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। और तीसरी प्रतिमा सूर्य के अस्त होने की है, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट है। मंदिर सूर्य देव की भव्य यात्रा को दर्शाता है। इसके प्रवेश द्वार पर ही नट मंदिर है। ये वो स्थान है जहां मंदिर की नर्तकियां सूर्य देव को अर्पण करने के लिए नृत्य करती थी, जिसके बारे में आज भी एक मिथक प्रचलित है कि यहां नर्तकियों की आत्माएं आज भी आती हैं। कोणार्क के पुराने लोगों की माने तो यहाँ आपको शाम में उन नर्तकियों के पायलों की झंकार सुनाई देगी। यह मंदिर अपनी कामुक मुद्राओं वाले शिल्प आकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिन्हें कामसूत्र से ली गई है। इस प्रकार की आकृतियाँ मुख्यतः द्वार मंडप के द्वितीय स्तर पर मिलती हैं। इन आकृतियों का विषय स्पष्ट किंतु अत्यंत कोमलता एवं लय में संजो कर दिखाया गया है। जीवन का यही दृष्टिकोण कोणार्क के अन्य सभी शिल्प निर्माणों में भी दिखाई देता है। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए ऐसे ही कुछ तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। पहला तथ्य, इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिलों का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टन चुंबकीय लोहे का प्रयोग किया गया है। माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है, और इसी मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरा तथ्य, कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंबित होकर
चमकदार दिखाई पड़ती है। तीसरा तथ्य, कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़िए पहिए स्थित हैं। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय भी बताते हैं। इन पहियों की छाया देखकर दिन के सटीक समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। चौथा तथ्य, कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह उड़ीसा के 5 धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर हैं। पांचवा तथ्य, कोणार्क सूर्य मंदिर को सभी मंदिरों से सबसे अलग बनाती है कामोत्तेजक मुद्रा में बनी सभी मूर्तियाँ। कोणार्क के सूर्य मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को अपने पिता के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। सांब ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक हैं, सांब के रोग का भी निवारण कर दिया था। इसका आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने सूर्य के सम्मान में एक मंदिर बनाने का फैसला किया। अगले दिन नदी में नहाते समय उन्हें सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के ही शरीर के भाग से श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सांब ने अपने बनाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।